दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय समय पर परीक्षाएं कराई जाती हैं और जिसमें कि जो है परीक्षा के तीन या दो चरण होते हैं, जैसे कि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है या फिर इंटरव्यू होता है। कहीं कहीं पर मेंस और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन माइनस मार्किंग के साथ साथ एक ही एग्ज़ाम ले लिया जाता है जिसमें आपका सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू में जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है तो आपको मांगे जाते हैं कुछ ज़रूरी दस्तावेज, जैसे कि अनुप्रमाणन फॉर्म हुआ, व्यक्तिगत विवरण हुआ या अन्य जानकारी, या फिर शासकीय सेवक से संबंधित कुछ जानकारी होती हैं। ठीक है, उनको आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि चलते हैं हम जो फॉर्म है उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आप साइट पर जाएंगे मध्य प्रदेश की mppsc.nic.in पर, तो वहाँ पर आप देख लीजिए। तो वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे साइट कुछ इस प्रकार से रहेगी। ठीक है, ये पुरानी साइट है, नई साइट भी अपडेटेड हो चुकी है, यहाँ पर आप वेलकम कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जाना होगा लेफ्ट कॉर्नर पर। लेफ्ट कॉर्नर पर आप जाएंगे तो होम, अबाउट, फंक्शन, सिलेबस, एडवर्टाइजमेंट, व्हाट्स न्यू, रिजल्ट, प्रेस और डाउनलोड, मार्कशीट रहेगी, और उसके बाद रहेगा ओल्ड क्वेश्चन पेपर और साथ में रहेंगे डाउनलोड फॉर्मेट्स। तो डाउनलोड फॉर्मेट्स नहीं है, ये फॉर्म्स है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें चलना है बैक टू सेफ्टी मोड पर, तो यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ एक और रास्ता। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कभी कभी ऐसा हो जाता है एडवांस में क्लिक करना आता है, तो एडवांस पर हम क्लिक करते हैं तो अनसेफ जो साइट है कभी कभी अनसेफ रहती, तो यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये लिंक है पूरी, इसको मैं जो रहेगा कॉपी करके आपको वीडियो के नीचे डाउनलोड लूँगा। ठीक है, ये रहे अनुप्रमाण फॉर्म रहेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म, यदि कोई शासकीय सेवक हैं तो अभिवचन पत्र, ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म, घोषणा पत्र, किसी भी चयन से आपको विवर्जित नहीं किया गया है, वहीं योजना पत्र, ठीक है, सॉरी घोषणा पत्र, ओबीसी संबंधित अटेंडेंस फॉर्म भी, हाँ ये भी आपको ले जाना है, ज़रूरी है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो भी हैं कैंडिडेट की, जुडिशियल केस, तो वो सब आपको इसमें रहेंगे। इन सभी फॉर्मेट को आप डाउनलोड कर लेना है और जितने भी संख्या में आपसे मांगे गए हैं, दो या तीन, जनरली आप तीन प्रतियों में ले जाइए, और जो भी दस्तावेज मांगे गए हैं उनमें अटेस्टेड करवा लीजिए अपने गजेटेड ऑफिसर से। गजेटेड ऑफिसर कौन हो सकता है? गजेटेड ऑफिसर द्वितीय श्रेणी एवं प्रथम श्रेणी के अधिकारी, जैसे कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, ठीक है, सब डिविजन मजिस्ट्रेट, SDM, तहसीलदार, वहीं पर जिस परीक्षा के लिए आप जा रहे हैं वो पोस्ट स्वयं गजेटेड रहती है। ठीक है, MPPSC से गजेटेड पोस्ट आपको मिलती है, वो आपके लिए इसको प्रमाणित कर सकते हैं, या फिर स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं आपके, गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल, वो इसके लिए अप्लाई कर आपको अटेस्टेड कर सकते हैं। साथ में जो जनप्रतिनिधि होते हैं जैसे कि विधायक हैं, सांसद हैं, वो भी इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी थी, और फॉर्म किस प्रकार से भरना है इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, नई भी वीडियो मैं आपको जल्द ही अभी बना दूँ। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद चैनल से जुड़े रहने के लिए।